हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटिस्तान। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम पीनट बटर बनाने वाले हैं जो कि 100% नेचुरल और हेल्दी है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी तरीके के कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं करने वाले, ना ही हम किसी तरीके के ऑयल ऐड करने वाले हैं और ना ही शुगर ऐड करने वाले हैं, जो कि आपने देखा होगा कि जो मार्केट में पीनट बटर्स बिकते हैं उनके अंदर ये भरपूर मात्रा में मिला होता है। बेस्ट पार्ट पीनट बटर की ये है कि इसे कोई भी खा सकता है, अगर आपका फैट लॉस का गोल हो या फिर मसल गेन का गोल हो, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है। अगर हम इसके न्यूट्रिशन वैल्यूज की बात करें तो अगर आप 100 ग्राम पीनट बटर लेते हो तो उसमें आपको 50 ग्राम फैट्स मिलते हैं। ये फैट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके दिल और दिमाग दोनों को तंदुरुस्त रखता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन और फाइबर्स की। प्रोटीन आपको इसमें 25 ग्राम मिलता है, फाइबर्स आपको 7-8 ग्राम मिलता है, जो कि आपको फुल फील कराता है और मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। और बाकी जो बचा कुचा है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी आपके जो मिनरल्स विटामिन्स होते हैं वो होते हैं, जो कि आपको एनर्जी के साथ साथ आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करते हैं। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें भी पीनट बटर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए किचन में चलते हैं और पीनट बटर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रॉ पीनट्स लेंगे 250 ग्राम्स, हिंदी में इसे मूंगफली और मराठी में इसे शेंगदाना बोला जाता है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे धीमी फ्लेम में, जिससे कि अंदर तक अच्छे से आपके जो पीनट्स हैं वो पक सके, जो कि आपको बाद में बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। आपको बीच बीच में इसे चलाते रहना है, जिससे कि जो आपके पीनट्स हैं अच्छे से पक सके और जले ना। अब आप देख सकते हैं कि पीनट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं पीनट्स यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं। अब आप इसके कवर को निकाल सकते हैं पीनट बटर बनाने के लिए, लेकिन मुझे विद कवर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम पीनट्स को जार में डालेंगे। ध्यान रखना है कि आपका जो जार है वो गीला ना हो, मतलब जार के अंदर पानी ना हो। हम इसे ग्राइंड करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि पीनट्स पाउडर फॉर्म में आ चुका है। हम इसे और ग्राइंड करेंगे, जिससे कि पीनट्स का ऑयल जो है वो निकलने लगे। अब देखते हैं कि क्या स्टेटस है। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है। हम इसे और ग्राइंड करेंगे, अभी ये थोड़ा ड्राई है। चलिए अब देखते हैं, शायद हो चुका होगा। ये है 100% नेचुरल पीनट बटर, बट टेस्ट के लिए मैं इसमें जैगरी डालने वाला हूँ। आप सॉल्ट या फिर शुगर यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार हम इसको और ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि जैगरी अच्छे से आपके पीनट के साथ मिल जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा पीनट बटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और टेस्ट करेंगे कि यह कैसा बना है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आप भी बनाइए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। तो ये था हमारा होममेड पीनट बटर। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली जो फ्यूचर की वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप एक भी हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोज मिस ना करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।